हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल सुपर सोनिक। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। सुपर सोनिक चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि भाई वरना के ऊपर क्रैश वीडियो लेकर के आ जाओ, तो फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यू ह्यूंडई वरना के बारे में, कैसी है ये गाड़ी, कैसी बिल्ड क्वालिटी रहने वाली है और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अब आप सभी को मालूम होगा अगर आप लोग एक सेडान लवर हो ना भाई, तो डेफिनेटली आप लोगों की एक ना एक बार नज़र तो वरना की तरफ जाएगी। और जो न्यू वाली वरना है उसकी पूरी तरीके से जो है फ्यूचरिस्टिक टाइप की डिजाइन आप लोगों को मिलती है। गाड़ी अगर मैं प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो लगभग 11 लाख रुपए से शुरू होकर के लगभग 17-17.5 लाख रुपए तक इस गाड़ी की कॉस्ट जो है वो चली जाती है। कंपटीशन में आपकी होंडा सिटी है, उसी के साथ वर्टिस है, सलाविया है, या इवन अगर आप लोग मारुति सुजुकी की तरफ से देखते हो तो सियाज़ के कॉम्पिटिशन में आती है। बट जानते हैं कि इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी कैसी है और सारे के सारे क्रैशेस के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। वैसे अगर मैं बात करूं क्रैश टेस्ट के बारे में, तो शायद ह्यूंडई वरना जो है वो आप लोगों के लिए एक 5-स्टार रेटेड गाड़ी रहने वाली है, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहेगी। अगर आप लोग इस गाड़ी को लेते हो तो डेफिनेटली एक सेफर साइड जो है वो गाड़ी आप लोगों के लिए मिल जाएगी। खैर वो सारी चीजें छोड़ते हैं, बात करते हैं अपने नंबर वन एक्सीडेंट के बारे में। ये एक्सीडेंट होता है गुजरात में, जो कि 14 जुलाई 2023 में होता है। बिलमोरा के पास में ये पूरा का पूरा एक्सीडेंट होता है। ब्रांड न्यू ह्यूंडई वरना होती है। अब भाई आप लोगों को मालूम है जब आप एक नई गाड़ी खरीदते हो ना तो आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हो, तो ये जो गाड़ी रहती है कुछ टाइम पहले ही खरीदी गई होती है और इस गाड़ी का जो ओनर रहता है वो काफी एक्साइटेड रहता है, जिसकी वजह से अपने दोस्तों को लेकर भाई एक नाइट में ना राइड में निकलता है कि गाड़ी चला करके देखते हैं, थोड़ा बहुत हंसी मजाक करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे। तो यहां पर होता क्या है, जैसे ये लोग एक फ्लाईओवर के पास में पहुंचते हैं, यहां पर जो ड्राइवर रहता है भाई वो ब्रेक दबाने की जगह जो है वो एक्सीलरेटर को पुश कर देता है, जिससे गाड़ी की स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और गाड़ी जो है वो अनकंट्रोल होकर के जाकर के एक स्लश के अंदर पूरी तरीके से गिर जाती है। यहां पर अगर आप देखोगे तो गाड़ी जो है पूरी तरीके से कीचड़ से, मतलब चारों तरफ से भरी पड़ी है। गाड़ी के अंदर भी आपको कीचड़ देखने को मिल रहा होगा और पूरी की पूरी बॉडी वॉडी हर जगह आपको कीचड़ ही कीचड़ नजर आ रहा होगा। खैर एक चीज बहुत ज्यादा बड़ी रहती है, भले इस गाड़ी का कैसा भी एक्सीडेंट हो बट गाड़ी के अंदर जितने भी लोग बैठे रहते हैं वो बिल्कुल ही सेफ रहते हैं, बिल्कुल ही हल्की फुल्की माइनर से इंजरीज जो है उन लोगों को आती है, अदरवाइज उन्हें कुछ भी नहीं होता। तो ये चीज जो है वो काफी ज्यादा बेहतरीन है कि डेफिनेटली भाई अगर आप वरना लेते हो या फिर अगर आप वरना को ओन करते हो तो काफी ज्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी जो है इस गाड़ी की रहने वाली है। नेक्स्ट नंबर टू, ये एक्सीडेंट होता है लगभग 12-12.5 बजे रात के टाइम में। यहां पर आप लोग देख सकते हो भाई हाई स्पीड में ये गाड़ी जो है वो अनकंट्रोल हो जाती है। फॉग का टाइम रहता है, सर्दियों का टाइम रहता है, मे बी शायद ऐसा हो सकता है लो विजिबिलिटी की वजह से पूरा का पूरा एक्सीडेंट हुआ हो। गाड़ी जो है अनकंट्रोल होकर जाकर के एक पोल से हिट कर जाती है और मे बी शॉर्ट सर्किट करने की वजह से गाड़ी के अंदर जो है वो आग भी लग जाती है। इस एक्सीडेंट के अंदर जो ड्राइवर रहता है भाई वो आईसीयू में भर्ती रहता है, बाकी जितने भी लोग गाड़ी के अंदर बैठे रहते हैं भाई ऑन टाइम जो है वो गाड़ी से बाहर निकल करके आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जान बच जाती है। क्योंकि यहां पर अगर आप गाड़ी को देखोगे तो गाड़ी जो है वो जल करके पूरी राख हो चुकी है। तो यही था एक्सीडेंट, बट खैर इस गाड़ी के अंदर जितने भी लोग बैठे रहते हैं वो सेफ जो है वो डेफिनेटली रहते हैं। नेक्स्ट नंबर थ्री, लुधियाना का ही एक्सीडेंट है, जहां पर एक सियाज़ और एक बीच में आमने सामने टक्कर हो जाती है। यहां पर होता क्या है, सियाज़ में बैठे एक फैमिली जो कि नॉर्मली एक शादी को अटेंड करने के लिए जा रही होती है रास्ते में, तभी सामने से हाई स्पीड में आती हुई एक वरना जो कि भाई कंट्रोल नहीं कर पाती और सीधा आकर के हेड ऑन कोलिजन कर जाती है सियाज़ से। यहां पर अगर आप लोग गाड़ियों को देखोगे तो दोनों ही गाड़ियों में आपको अच्छा खासा डैमेज देखने को मिल रहा होगा। अगर मैं बात करूं सियाज़ और वरना के बारे में तो दोनों ही एक दूसरे का कॉम्पिटिशन है भाई, तो यहां पर तेज रफ्तार के होने की वजह से ये पूरा का पूरा हादसा होता है। खैर इस एक्सीडेंट के अंदर ये चीज अच्छी होती है, चाहे सियाज़ हो चाहे वरना हो भाई दोनों ही गाड़ियों के अंदर बैठे जितने भी पैसेंजर रहते हैं वो बिल्कुल ही सेफ रहते हैं, बट यहां पर वरना वाले की गलती रहती है जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा एक्सीडेंट होता है। हाई स्पीड में गाड़ी ला करके वो ठोक देता है। बाकी आप लोगों को वरना की बिल्ड क्वालिटी कैसी लगती है, कैसी नहीं लगती आप मुझे जरूर बताना। वैसे तो अगर मैं बात करूं लुक्स और डिजाइन के बारे में तो डेफिनेटली देखो आज के टाइम वाली वरना अच्छी बनाई है, बट इससे जो प्रीवियस जनरेशन आती थी ना मुझे वो बहुत ही ज्यादा पसंद है भाई, उसके जैसी मॉडिफिकेशन और लुक वाइज जो है ना वो गाड़ी बहुत ज्यादा अच्छी निकल करके आती है। आप लोग इस चीज के ऊपर क्या रहे हैं आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट नंबर फोर, औरंगाबाद में एक्सीडेंट होता है। बेसिकली एक्सीडेंट नहीं है, चार लोग जो कि एक गाड़ी के अंदर बैठ करके एक दुकान के सामने आके अपनी गाड़ी लगा देते हैं और किसी बात पे बहस वहस हो जाती है। जो दुकानदार रहता है वो कहता है गाड़ी हटा लो और ये लोग लड़ने वड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से भाई इन लोगों में से बैठे हुए ना एक बंदा ना जो है फायरिंग भी कर देता है एक बंदे के ऊपर, एक बूढ़े आदमी के ऊपर, जिसको हॉस्पिटल ले जाते उसकी डेथ हो जाती है। और आसपास के जितने भी लोग रहते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहते हैं भाई, पहले तो इनको खूब ज्यादा मारते हैं, जिसमें से एक लड़के की डेथ भी हो जाती है। और गाड़ी को अगर आप लोग देखोगे ना तो गाड़ी का पूरा कचूमर बनती है, कुछ भी इन गाड़ी के अंदर नहीं छोड़ा भाई, मतलब फ्रंट से देख लो रियर से देख लो गेट वेट सारी की सारी चीजें जो है इन लोगों ने जो है मिलकर के तोड़ दी है। तो क्या ये एक अच्छा तरीका है फैसला करने का या नहीं आप मुझे जरूर बताना, बिकॉज मैंने ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट्स देखे हैं जो कि गांव के आसपास में होते हैं, तो गांव के लोग इकट्ठा होकर के गाड़ियों को छीन लेते हैं, गाड़ियां तोड़ देते हैं फोड़ देते हैं। तो क्या ये चीज करनी सही है या फिर नहीं, अपने हाथ में कानून को लेना चाहिए या नहीं आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट नंबर फाइव, कर्नाटका में ये एक्सीडेंट होता है, जहां पर एक वरना और एक ट्रक के बीच में एक्सीडेंट हो जाता है और अभी तक का सबसे खतरनाक एक्सीडेंट अगर आप लोग देखते हो ना तो मुझे लगता है यही एक्सीडेंट होता है। चार लोग जो कि अपनी वरना में बैठ करके कहीं जा रहे होते हैं एक फोर लेन रोड में, और यहां पर क्या होता है गाड़ी को अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को देखने में साफ पता चल रहा होगा कि गाड़ी जो है वो रॉन्ग साइड है। अब भाई यहां पर जो लेन में रहते हैं मे बी शायद इस गाड़ी का टायर बस्ट हो गया हो या फिर किसी को बचाने के चक्कर में अपोजिट साइड से गाड़ी जो है वो पूरी तरीके से डिवाइडर से कूद करके जाकर के ट्रक
ट्रक के अंदर हिट हो जाती है। इस एक्सीडेंट में अनफॉर्चुनेटली एक बंदे की डेथ हो जाती है और तीन लोग जो है वो काफी बुरी तरीके से मेजर इंजर्ड हो जाते हैं। कार को अगर आप देखोगे तो इस गाड़ी के अंदर भाई आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं बचा, इसका पूरा बोनट, बंपर, हुड, इंजन, रूफ, ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें जो है वो डैमेज हो चुकी है, इवन डोर भी डैमेज हो गया है। तो भाई जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि ठीक है ये गाड़ी एक 5-स्टार रेटेड गाड़ी है, अच्छी है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग इसको हाई स्पीड में चलाओगे तो ये आप लोगों को हर बार बचा लेगी। यहाँ पर अगर आप ट्रक को देखोगे तो ट्रक का भी एक्सल और फ्रंट के जितने भी सारे के सारे बम्पर वम्पर है ना भाई, काफी बुरी तरीके से जो है वो डैमेज हो गए हैं। तो स्पीड का अंदाजा आप लोग लगा सकते हो कि कैसे ये पूरा का पूरा एक्सीडेंट जो है वो हुआ है। नेक्स्ट नंबर 6, ये एक्सीडेंट होता है गुड़गांव में जय सिंह चौक के पास में। बेसिकली अब भाई दो यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अलग अलग रीजंस बताए हैं क्योंकि उनको अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिली थी, बट यहाँ पर अगर आप एक्सीडेंट देखते हो तो ये पूरा का पूरा एक्सीडेंट जो है भाई मॉर्निंग टाइम में पूरा का पूरा एक्सीडेंट होता है, जहां पर ये गाड़ी जो है फ्रंट से काफी बुरी तरीके से डैमेज हो जाती है, वरना जो है वो जाकर के सीधे गड्ढे के अंदर गिर जाती है। कुछ इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कहना है कि भाई ये गाड़ी जो है जो इसका ओनर रहता है उसको इंश्योरेंस क्लेम करना रहता है, जिसकी वजह से वो अपनी गाड़ी को लाकर के गड्ढे में पटक देता है, मतलब एक्सीडेंट कहीं और होता है लाकर के गाड़ी को यहाँ छोड़ देता है। बट कुछ लोगों का कहना है कि भाई ड्रिंक एंड ड्राइव करके लोग गाड़ी चला रहे होते हैं जिसकी वजह से पूरा का पूरा हादसा जो है वो हो जाता है। खैर इस एक्सीडेंट के अंदर भाई कोई भी इंजर्ड नहीं होता, यहाँ पर अगर आप एयरबैग्स और बाकी चीजें देखोगे तो ऑन टाइम सारी की सारी चीजें खुली हैं, बस गाड़ी जो है वो फ्रंट से थोड़ी बहुत डैमेज जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर हो गई है। नेक्स्ट नंबर 7, रॉयल एनफील्ड वर्सेस वर्ना एक्सीडेंट 22 मार्च 2023 में एक्सीडेंट होता है। ह्यूंडई वर्ना की जब नेक्स्ट जनरेशन आई थी, जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तभी के आसपास का ये पूरा का पूरा एक्सीडेंट है। एक ह्यूंडई वर्ना जो कि भाई यू टर्न ले रही होती है एक रोड से और लगभग 80 से 90 की स्पीड पे एक बुलेट जो कि सामने से आ रही होती है, वो बंदा जो है वो ब्रेक नहीं कर पाता और सीधा लाकर के हिट कर जाता है यहाँ पर वर्ना से। वर्ना को अगर आप देखोगे तो बंपर बोनट में थोड़ा बहुत आपको डैमेज देखने को मिला होगा और गाड़ी के अंदर बैठा जो बंदा रहता है वो बिल्कुल सेफ रहता है, उसे कोई भी इंजरीज नहीं होती, बट यहाँ पर बुलेट पे बैठे हुए जो बंदे रहते हैं ना वो डेफिनेटली यहाँ पर इंजर्ड जो है इस एक्सीडेंट के अंदर हो जाते हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट एक्सीडेंट की तरफ जो कि है नंबर 8। अब भाई कंपनी जो है अपनी गाड़ियों को भाई हमेशा जब भी लॉन्च करने से पहले भाई बहुत ज्यादा टेस्टिंग वेस्टिंग करती है, तो एक्सीडेंट ऐसे जो है वो काफी बार निकल करके आ जाते हैं कि गाड़ी जो है वो पूरी कैमोफ्लॉक्स के अंदर पूरी तरीके से ढकी होती है फिर भी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो उस टाइम तो अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं, बट इस गाड़ी के अंदर बैठे जो लोग रहते हैं वो बिल्कुल ही सेफ रहते हैं, वरना जो है वो जाकर के बैक एंड से भाई हिट कर देती है एक बस को। अब यहाँ पर बहुत सारे अल्टीमेट रीजन रह सकते हैं कि क्यों ऐसा एक्सीडेंट हुआ। मे बी भाई बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गाड़ी को बिल्कुल ही चिपका करके चलते हैं, मतलब किसी भी व्हीकल से, तो भाई अगर आप भी ऐसे चिपका के चलते हो तो थोड़ा सा डिस्टेंस जो है हमेशा मेंटेन करो कि अगर वो कभी भी पैनिक ब्रेकिंग करता है तो आपके पास इतना वक्त हो कि आप भी पैनिक ब्रेक करके अपनी गाड़ी को जो है वो डेफिनेटली रोक सको। बढ़ते अपने नेक्स्ट एक्सीडेंट की तरफ जो कि है नंबर। अब ये एक्सीडेंट अगर आप देखोगे तो ये कुछ खास मेजर एक्सीडेंट नहीं है, वरना का ही एक्सीडेंट है जहां पर एक वरना और एक एस क्रॉस जो है एक दूसरे को हिट कर देती हैं। 10 फरवरी 2024 में एक्सीडेंट होता है। नॉर्मली वरना जो है वो अपने साथ साथ अपने रोड पे भाई जो है वो जा रही होती है, बट उसी के पीछे जो है एक एस क्रॉस गाड़ी जो है वो आती है। मे बी शायद यहाँ पे वरना ड्राइवर जो रहता है वो सडनली ब्रेक कर देता है जिसकी वजह से गाड़ी जो है जाकर के सीधा रियर एंड कर देती है। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो वरना में अच्छा खासा डैमेज आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, इसका जो पूरा का पूरा जो डिग्गी है उसके अंदर डैमेज आ गया है, बंपर में डैमेज आ गया, काफी बुरी तरीके से बैंड हो गया है। वहीं अगर मैं एस क्रॉस के बारे में बात करूँ तो वो भी जो है थोड़ी बहुत डैमेज हो गई है फ्रंट से और उसका कूलेंट भी जो है वो लीक हो गया है। खैर गाड़ी के अंदर बैठे जितने भी लोग रहते हैं बिल्कुल ही सेफ रहते हैं, किसी को भी इंजरीज नहीं आती। नेक्स्ट लास्ट नंबर 10, दिल्ली का ही एक्सीडेंट है जहां पर एक वरना जो है जाकर के एक अदर कार को हिट कर देती है, थोड़ी सी स्पीड में रहती है भाई, ड्राइवर जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाता और जाकर के हादसा जो है वो हो जाता है। तो यही था पूरा का पूरा, आई होप आप लोगों को वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। बाकी फटाक से कमेंट कर दो भाई, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए जितनी भी कमेंट्स है उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो लेकर के आऊँ। बाकी अगर आपको अदर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो।